अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? उम्मीद होगी आप सब ठीक होंगे। तो आज बना रहे हैं हम आलू और ब्लैक दाल का सालन। तो हमने क्या क्या लिया है, एक टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया, एक टेबलस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, सॉरी पिसी हुई, और नमक हसबे जैका, हाफ टेबल स्पून हल्दी लिए, एक टेबल स्पून चाइनीस नमक और एक टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, एक अदद प्याज ले लिया, एक अदद आलू ले लिया। तो तकरीबन एक कप दाल ले लिए हमने और दो अदद टमाटर ले लिए, उसको ब्लेंडर कर लिया। चलो हम बनाते हैं। दो टेबल स्पून हम ऑयल ऐड करेंगे, और इसमें प्याज ऐड करेंगे, और ज़ीरा जो है वो भी ऐड कर देंगे। तो हम इसको फ्राई करेंगे अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू के साथ ही टमाटर भी ऐड कर देंगे। तो हमारे जो मसाले हैं वो भी सब ऐड कर देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर कवर करेंगे ताकि आलू जो है गल जाए अच्छे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं आलू ये गल चुके हैं। और अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल को बॉयल कर लिया था तो इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे, इसको भूनेंगे थोड़ी देर। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हम इसे भून रहे हैं। तो साथ हम रोटी बना रहे हैं, हमारा सालन भी रेडी हो रहा है और रोटियां भी रेडी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, इसको अच्छी तरीके से हमने भून लिया। तो अब हम इसे इसमें पानी ऐड करेंगे। बस इतना ही ऐड करेंगे। फिर से कवर कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं सालन जो है रेडी हो चुका है। और ये धनिया और मिर्चें हैं कटिंग कर लिया हमने, इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सालन बना है। हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमने डिशॉर्ट कर लिया, बहुत अच्छा सालन बना है, आप भी बनाएं। और साथ ही हमने रोटी बनाई है, सालन हमारा तैयार हो गया और रोटी भी तैयार होगी, तो आप भी मतलब बना सकते हैं ऐसे, एक साइड पे सालन बनाए एक साइड पे रोटियां बनाए, तो एक ही साथ दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।